इधर संभल जिले के बहुचर्चित पुलिस उत्पीड़न के बाद धर्मवीर के सुसाइड मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। इस पूरे मामले में एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी नेता जो हैं सीएमओ से लंबी बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसमें यह देखा जा रहा है कि सीएमओ संभल और बीजेपी नेता जो हैं इनके बीच में काफी लंबी बातचीत हुई, जिसका ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी नेता ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया है, तो वहीं सीएमओ ने पुलिस के दबाव में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने और पूरे प्रकरण में पुलिस के दखल देने की बात भी कही है। अब यही नहीं, वायरल हो रहे ऑडियो में सीएमओ ने अपने महकमे की भी कलई एक तरीके से खोल दी है। प्रदेश शासन के निर्देश पर डीआईजी के निर्देशन में हो रही जांच से संभल पुलिस की लगातार कलई खुलती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये जब से ऑडियो वायरल हुआ है तब से स्वास्थ्य विभाग पुलिस प्रशासन पर भी लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये कैला देवी थाना क्षेत्र की साकिन सुबापुर के धर्मवीर मृतक बेचारा किसान, बहुत ही निंदनीय घटना है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। पुलिस प्रशासन को ऐसा नहीं करना था। उसके उपरांत जब पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी आती है तो वहाँ डॉक्टर जो भी रहे हों पोस्टमार्टम पर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पुलिस के दबाव में, जैसा कि सीएमओ ने कल मुझसे स्वयं स्वीकार किया है, मैंने कल लगभग 9:45 के करीब सीएमओ साहब से फ़ोन पर वार्ता की थी इस विषय में, तो उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर कहीं ना कहीं पुलिस के दबाव में आ गया था और उसने दबाव में आकर गलत रिपोर्ट बना दी है। मैं इस जाँच करवा रही हूँ और निश्चित ही इसमें कठोरतम कार्रवाई करूँगी, और अगर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। और मुख्यमंत्री जी चाहते भी हैं कि जीरो टॉलरेंस के तहत आम आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी को न्याय मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उच्च अधिकारियों की इस विषय पर गंभीरता से निगाह है और कहीं ना कहीं उनकी भी जांच होगी, कोई इससे बचेगा नहीं। हेलो, सीएमओ साहब भुवनेश्वरा का बोल रहा हूँ। अरे उस समय काफी लोग बैठे हुए थे जिला पंचायत ऑफिस में, बैठे हुए थे जिला पंचायत अध्यक्ष जी वगैरह, वो बात करना चाह रही थी। ये जो कैला देवी वाला जो मैटर हुआ धर्मवीर का, फांसी वाले को जो डॉक्टर थे आपके, फांसी वाले को उन्होंने सर्पदंश से घोषित कर दिया, तो उसकी तो इंक्वायरी हो रही है उसका कुछ होगा नहीं। हाँ, तो अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, इसमें सरकार की छवि खराब हो रही है इससे। तो उसमें जो है उनको उनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम से तो पहली कार्रवाई करते हुए हटा देगी, बाकी अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट आके तब उसके बाद कुछ होगी कार्रवाई। सब लीपअप होती चल रहा है सर, इसमें इसमें हाँ, हमने इसलिए आपको अवगत कराना चाहा कि हम और जिला पंचायत अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मैटर में मिलेंगे कि कितना घपला हो रहा है हमारे यहाँ। ये तो ये डॉक्टर के खिलाफ तो हम कर ही देंगे, पर जो है इसमें पुलिस की भी भूमिका। हाँ तो अरे डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती है नहीं बनती है कि फांसी को तुमने कैसे दिखा दिया, वही तो कह रहे। और जिस डॉक्टर, या तो डॉक्टर को ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो फिर उसकी संस्तुति की जाए, उसकी डिग्री फर्जी है, या फिर उसे ज्ञान नहीं है, डिग्री निरस्त की जाए, शासन को लिखवा के भेजो आप, वहां से हम कराते हैं, ठीक है ना? ठीक है, इसमें 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 कार्रवाई कराओ। और हमने तो आपको कई बार बोला भी है कि आपके विभाग में इतना भ्रष्टाचार है जिसका कोई जवाब नहीं, फर्जी डॉक्टरी बनती है आपके संभल में, मैंने तो कई बार बोला भी आपसे। इतनी शिकायतें संभल के लिए हम कितनी बार लिखा पढ़ी, नहीं लिखा पढ़ी से फायदा क्या हो रहा है, 1% भी कम नहीं हुआ सिर्फ। ये बताइए तो संभल में तो आप सीएमएस डॉक्टर अनूप अग्रवाल है, उनसे क्यों नहीं आप जिले की सीएमओ आप हैं, जब सुनेंगे, लेकिन जब हमारी सुने ना, जब वो वहाँ के सीएमओ आप नहीं सुनते, आप कार्रवाई करिए उनके खिलाफ जो लोग नहीं सुनते। अपने को वो अपने को हमसे सीनियर, अपने को सर्वे सर्वा समझते होंगे,
हम फोन भी करते तो लगता है उनको अच्छा नहीं लगता है कि क्यों का मतलब हम कर रहे हैं। नहीं तो आप शासन को, आप शासन को लिख कर भेजिए, शासन को लिख कर भेजिए, ड्यू लेटर बनाएंगे इन लोगों के खिलाफ। हाँ, कभी कभार कोई हमें फोन करके वहाँ की जानकारी देता है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं मिल रही है, तो हम फोन करके कहते हैं करवा देते हैं काम भाई, या कुछ डॉक्टरी गलत जिसने लिख के दिया उसकी इंक्वायरी करा दी। अब वह टाइम हम तो वहाँ बैठे नहीं कि क्या हो रहेगा, और इन डॉक्टर ने तो बेवकूफी होगी कि ये पुलिस के प्रेशर में आके उन्होंने दिखाया तो ये अपना कर दिए, इनकी ये तो बेवकूफी। कितनी स्थिति खराब हो रही है, आज विपक्ष युवा उंगली उठा रहा है। अब आप इस विभाग की अधिकारी हैं, आप स्वयं अपने सोचिए अपने ऊपर, बताइए क्या करा जाए। लेकिन इसमें पुलिस विभाग पे भी होना चाहिए कि वो पुलिस विभाग का, पुलिस विभाग का हो रहा है उसकी चिंता मत करिए, बर्खास्त होंगे ये लोग, बर्खास्त। जैसे कई बार हम तो खुद कह, आईजी साहब से एडीजी साहब से लगातार बात हो रही है और उसका ही निष्कर्ष निकला है ये जो लाइन हाजिर हुए हैं और विभागीय कार्रवाई शुरू हो रही है अब इनकी। जी जी ठीक है। और जो है क्योंकि कितनी बार हम, अब आप अपने विभाग को, अपने विभाग को देखिए कि सर्पदंश से एक फांसी वाले को सर्पदंश से मरा हुआ घोषित कर रहे हैं, कितना गलत किया है। तो आप इसमें आप जो है कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि बाकी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सारा देने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे ही, और इसमें तुरंत निर्णय ले लेना था आपको, और अभी तक इतना समय हो गया आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये ताज्जुब की बात है, किसी ने ये बात किसी ने वो दिया नहीं हमको, तो डीएम सर ने जब कहा तब मेरे संज्ञान में आया तो उन्होंने कहा हम इंक्वायरी करा रहे हैं, उसमें तो वैसे पुलिस वाले सब इन्वॉल्व है और लोग भी इन्वॉल्व है, तो इसमें कुछ कार्रवाई। इसमें इसलिए हम बोल रहे हैं कि समाजवादी वाले लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन होगा, इसमें हमारी पार्टी की छवि खराब होगी, लोकसभा चुनाव सिर पर है। अच्छा अच्छा, हाँ तो इसलिए ये जो है निपटवाओ का, इस समय इसका निलंबन हो जाएगा ना, तो कम से कम शांत मामला शांत तो हो जाएगा। हाँ तो आप धरना ना मत दीजिए, हम निलंबन कुछ कर देते हैं। हाँ हाँ करिएगा, ठीक है ठीक है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में यही तक बाकी।